आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की अब तक की मोस्ट एरोटिक फिल्म्स के बारे में। अब आप में से कुछ लोग शायद और भी फिल्म्स का नाम बोलेंगे, मगर मैंने एट मोस्ट एरोटिक फिल्म को सेलेक्ट करके इस वीडियो में इंक्लूड किया है मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस की पसंद के बेसिस पे। तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे आती है बी पास। हाँ, मुझे पता है हमारी 80% ऑडियंस ने ये फिल्म जरूरी देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें मैं बता दूं कि ये थर्ड ग्रेड फिल्म है जिसकी स्टोरी बहुत ही बेकार है, जिसमें एक टीनेज लड़का एक आंटी के साथ सेक्स करता है पैसों के बदले। बस इतनी सी है इसकी कहानी। वैसे जिन लोगों को स्टोरी लाइन से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ इंटीमेट सीन्स के लिए फिल्म देखते हैं, तो हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वार्निंग, ये फिल्म देखने के बाद आपको कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, समझने वाले समझ ही जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और दूसरे नंबर पे है सीन्स। इस फिल्म के बारे में शायद आपने सुना ही होगा क्योंकि ये फिल्म काफी कंट्रोवर्सी में रही थी। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है जब एक प्रीस्ट का अफेयर एक यंग लड़की से होता है। इसके आगे की कहानी सेक्स 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 और सिर्फ सेक्स है। जी हाँ, आपने सही सुना, यही है इसकी कहानी। तीसरे नंबर पे है कामा सूत्रा। वैसे मेरे हिसाब से इस फिल्म का टाइटल काफी है आपको इसके बारे में बताने के लिए। वैसे तो इस नाम से काफी फिल्म्स बनी है, मगर ट्रू ह्यूमन सेक्सुअलिटी को दिखाने वाली इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने, जो ज्यादातर लोगों ने पसंद की है। तो आते हैं नंबर 4 पर, जो की है जूली। ये फिल्म बॉलीवुड की मोस्ट हॉट मूवी की लिस्ट में है। इस फिल्म में हमें नजर आती है नेहा धूपिया, जो एक लड़की की कहानी बताती है जो एट द एंड एक कॉल गर्ल बन जाती है। और मेरे अगले लिस्ट में जो मूवी है उससे तो आप पक्का सहमत होंगे, क्योंकि वो डिजर्व करती है इस लिस्ट में आना, और वो फिल्म है जिस्म, मतलब पूरी जिस्म सीरीज। जब जिस्म रिलीज हुई थी तब बी टाउन में काफी हंगामा हुआ था इस फिल्म में जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु के हॉट सीन्स को लेकर। हाँ, जिस्म 2 ने ज्यादा कमाल नहीं दिखाया, मगर सन्नी लियोनी ने लोगों के दिल पर अपनी छाप जरूर छोड़ दी। नेक्स्ट मूवी है एक छोटी सी लव स्टोरी। ये पहली फिल्म थी बॉलीवुड की जिसमें बाथरूम मेंस्ट्रुएशन सीन दिखाया गया था। ये फिल्म है एक 15 इयर्स ओल्ड लड़के की जो अपनी पड़ोस की आंटी से प्यार करने लगता है। बस आगे की कहानी आप फिल्म देखकर ही पता कर लेना। नंबर 7 पर आती है हंटर। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हमारी यूथ रिलेट कर सकती है। इस फिल्म में अरेंज मैरिज, सेक्स एडिक्शन, प्री मेटेरियल सेक्स से ये सारे इशू को दिखाया गया है, लेकिन फिर भी आप ये फिल्म अकेले में ही देखना, वरना बाद में मेंस्ट्रुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अब आते हैं लास्ट फिल्म पे, मतलब नंबर 8 पे, जो है मर्डर सीरीज। 90s में तो बच्चे जानते थे इस फिल्म को, उस टाइम ये फिल्म किसी पॉर्न से कम नहीं थी। मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी की केमिस्ट्री ने लोगों के रोंगटे के साथ साथ और भी बहुत कुछ खड़े कर दिए थे। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप सबको इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। तो ये थी बॉलीवुड की अब तक की मोस्ट एरोटिक फिल्म्स।